हेलो नमस्कार दोस्तों, इवो काईएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 एथिक्स के सिलेबस डिकोडिंग जो भी टॉपिक है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में आज हम इस पेपर की यूनिट 6 के टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था के टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम आपको यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दिखाएंगे, ताकि मेरा उद्देश्य क्या होता है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाऊं वो नॉलेज के साथ साथ में आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में यूपीएससी में आए क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सके। बेसिकली मेरा उद्देश्य यही होता है और आपका भी यही एम होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनको आप इजीली सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन 2017 में आया था कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी अर्थात स्टेनेबल बनाता है, विश्लेषण कीजिए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनियों के ऊपर अधिक होती है वो कंपनी को अधिक चिरस्थायी और अधिक लाभदायक बनाता है, इसमें आपको विश्लेषण करना था। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, आपको पक्ष और विपक्ष में कुछ आर्गुमेंट देने हैं और लास्ट में कंक्लूजन आपको करना है कि जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट्स की वो वाकई में इसको अधिक लाभदायक और चिरस्थायी बनाने में सहायक होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उसको देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप जरूर इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें दो शब्द हैं, पहला तो कॉर्पोरेट, दूसरा होता है शासन। कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर कंपनियां हैं, अर्थात कॉर्पोरेट्स में वही कंपनियां आएंगी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हैं। शासन का मतलब आप समझते हैं जहां पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो चीजें होती हैं वहां पर शासन होता है। जैसे कहते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था, अर्थात भारत की जो शासन व्यवस्था वो क्या करती है, मैनेजमेंट करती है शासन का और दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसी कंपनी कौन सी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर है, किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत तथा निर्देशन आदि। तरीके, सिद्धांत, निर्देशन क्या होंगे, उनके मैनेजमेंट और उनके एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। इसके अंतर्गत अनिवार्यता नैतिक तत्वों को भी शामिल किया जाता है, अर्थात जो कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था होता है उसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें हम एथिकल एस्पेक्ट को भी शामिल करते हैं। कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। जैसे हमने देखा कि कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके सिद्धांत, किसी कंपनी को चलाने के तरीके और उसके निर्देशन, और इसमें शामिल क्या होता है, एथिकल एस्पेक्ट भी। तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या बिंदु है, जिसमें पहला है कि मालिक और प्रबंधन के बीच में अंतराल होना चाहिए, अर्थात जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या उचित प्रशासन होता है किसी कंपनी का तो उसमें क्या होता है, मालिक और प्रबंधन के बीच में गैप होता है। आप देखते हो कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी संस्था होती है उसमें सबसे निचले तबके का जो व्यक्ति होता है उसमें एक हायरार्की होती है, अर्थात सबसे नीचे तबके के लेबर होते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं कुछ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर और, ठीक है। तो इस तरीके का एक हायरार्की होती, क्रम होती है, और कई अधिकारी के बाद में सबसे जो लास्ट में मालिक होता है, अर्थात मालिक का जो कनेक्शन होता है वो सीधा उनके मजदूरों से नहीं होता है, उनके बीच में एक कड़ी होती है और यह कड़ी होना भी किसी कंपनी के लिए उचित होता है। तो इसलिए मालिक और प्रबंधन के बीच में अंतराल होना चाहिए, स्पष्ट सोपान क्रम हो, अर्थात वही जो है एक हायरार्की होनी चाहिए। स्पष्ट सोपान क्रम में आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हो कि जो सबसे ऊपर होता है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके बाद मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है, फिर उसके नीचे CFO अर्थात जो फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो प्रोजेक्ट संबंधी जो ऑफिसर होते हैं, जो टेक्नीशियन जो किसी कंपनी के टेक्नीशियन के कार्य संभालते हैं टेक्नीशियन ऑफिसर होते हैं, तो इस उसके नीचे भी, ठीक है, फिर कई ऑफिसर होते हैं। तो इस तरीके की एक हायरार्की होती है और यह हायरार्की किसी कंपनी के उचित एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य होती है। अगला, उचित प्रशासन में क्या होना चाहिए किसी कंपनी के, कि उस कंपनी के नियम और विनियम अर्थात जो रूल और रेगुलेशन है कंपनी के, पूर्णता स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि किसी कर्मचारी के छुट्टी, वेतन, भत्ते आदि जो हैं वो लिखित रूप में हो ताकि उनमें पूरी पारदर्शिता हो। अगला, प्रॉपर ऑडिट सिस्टम होना चाहिए किसी कंपनी में, क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिट सिस्टम हो। उदाहरण के लिए सोशल ऑडिट होना चाहिए, अर्थात वो कंपनी किसी समाज के लिए कितनी लाभदायक है, समाज के लिए क्या नुकसानदायक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए किसी कंपनी के लिए। अगला, इन्वायरमेंटल ऑडिट होना चाहिए, अर्थात जो कंपनी है वो पर्यावरण के लिए घातक तो नहीं है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है, तो ये सारी चीजें ऑडिट होनी चाहिए, अर्थात उनका नियमित रूप से अंकेक्षण होना चाहिए।
एथिकल एस्पेक्ट की बात करें किसी कंपनी में, तो सेबी ने एक सिफारिश की थी एथिकल एस्पेक्ट को लेकर किसी कॉर्पोरेट में, कि एक अच्छा कॉर्पोरेट वह होता है जो ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, न कि सिर्फ मालिक के रूप में। किसी कॉर्पोरेट के एथिकल एस्पेक्ट में हम तीन बातें देखेंगे। पहला तो उसका बेसिक एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, फिर दूसरा CSR अर्थात जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी कॉर्पोरेट की, उसके बारे में देखेंगे। और यहीं से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। अगला, कर्मचारी के संबंध में क्या एथिकल एस्पेक्ट होने चाहिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकल फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। पहला तो जो हितधारक होते हैं अर्थात जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर होते हैं, उन्हें चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स हैं अर्थात जो अंशधारक हैं जो किसी कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं, उनको भी लाभ प्राप्त हो। अगला, जो हितधारक हैं वो गवर्नमेंट को नियमित रूप से टैक्स पे करें, ये एथिकल एस्पेक्ट होता है। अगला, सोसाइटी में रोजगार और सांस्कृतिक सुरक्षा को बढ़ावा दें अर्थात जो भी कॉर्पोरेट्स है वो एथिकल रूप से रोजगार को प्रदान करें, रोजगार को बढ़ावा दें समाज में, और जो सांस्कृतिक सुरक्षा है उसको बढ़ाने में मदद करें। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो कस्टमर हैं अर्थात क्लाइंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, जो कंपनी उनको सेवाएं देती है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, जो नागरिकों को या फिर जो क्लाइंट्स होते हैं उनको जो डिलीवरी प्रदान करती है किसी वस्तु और सेवाओं की, वो टाइमली और उचित रूप से हो। अगला क्या होना चाहिए कि जो पर्यावरण संरक्षण, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये एथिकल एस्पेक्ट हो गए किसी कॉर्पोरेट्स की। सेकेंड एथिकल एस्पेक्ट CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी कॉर्पोरेट के क्या सामाजिक उत्तरदायित्व हैं इसके संबंध में देखेंगे। और यहीं से क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कंपनी एक्ट 2013 की धारा जो 135 थी उसके तहत जो है अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी कॉर्पोरेट्स है तो उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? कंपनी एक्ट 2013 के तहत। और भारत संभवतः ऐसा पहला देश है जिसने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अनिवार्य किया। अगर इसका हम आरंभिक विचार देखें तो 2013 से पहले यह स्वैच्छिक था कि कोई कॉर्पोरेट जो है वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करे। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्वैच्छिक के साथ साथ में कानूनी पहलू भी है। अगर हम स्वैच्छिक जिम्मेदारी को देखें तो इसमें बिल गेट्स का एक सिद्धांत था, क्रिएटिव कैपिटलिज्म अर्थात रचनात्मक पूंजीवाद का सिद्धांत, 2008 में दिया था बिल गेट्स ने, जिसमें कहा था कि कोई भी कॉर्पोरेट हो उसको अपनी संपदा का 50% जो है वो समाज को दान कर देना चाहिए। लेकिन यह स्वैच्छिक था। अब स्थिति है कानूनी की, जिसमें स्वैच्छिक पहलू के साथ साथ में लीगल तौर पर अनिवार्य है। अगर कोई कॉर्पोरेट 1,000 करोड़ या उससे अधिक का कुल कारोबार करता है। सेकंड, अगर कोई कॉर्पोरेट 500 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक का उसका कुल नेटवर्थ प्रति ईयर है, और वह कॉर्पोरेट्स 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ अगर कमाता है, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% CSR अर्थात कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में खर्च करना पड़ता है। अब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां कौन सी हैं? जैसे शिक्षा का प्रसार, अर्थात अगर कोई कॉर्पोरेट इसके अंतर्गत अर्थात उसका टर्नओवर प्रति ईयर 1,000 करोड़ या फिर उससे अधिक है, नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का 2% CSR गतिविधियां, जिसमें शिक्षा का प्रसार करने में, भूख कुपोषण गरीबी को कम करने में, पर्यावरण संरक्षण आदि में खर्च करना उसको पड़ेगा। अब यह जो CSR है अर्थात कॉर्पोरेट सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट एक पक्ष और विपक्ष में क्या आर्गुमेंट दिए हैं? तो विपक्ष में उदारवाद का जो नकारात्मक विचारधारा, जिसमें एडम स्मिथ जैसे विचारक आते हैं, न उदारवाद जिसमें हम रॉबर्ट नॉजविक, मिल्टन फ्रेडमैन जैसे विचारकों को रख सकते हैं, इन्होंने तर्क दिया कि ये जो CSR है वह एक प्रकार से व्यर्थ है। केवल जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको कानूनों का पालन करना चाहिए और उनको टैक्स पे करना चाहिए, केवल यही कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी होना चाहिए। अर्थात जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी कॉर्पोरेट की और वह लीगल तौर पर है तो उसको यह व्यर्थ मानते हैं। वहीं अगर इसके हम पक्ष में आर्गुमेंट देखें, पक्ष में उदारवादी जो विचारधारक हैं, जो उदारवाद के जो सकारात्मक विचारधारक हैं, जिसमें जीएस मिल, कीन्स को रख सकते हैं, जिन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी थी, इसी में हम ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासिता के सिद्धांत, महात्मा गांधी के विचार जो हैं, जॉन रॉल्स, अमृत सेन, समतावादी विचारधारा के जो विचारक हैं, इन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया और कहा कि जो कॉर्पोरेट्स होती है वह अंततः समाज की सहमति से ही लाभप्रद होते हैं। सिकेट कहा कि सामाजिक विकास अगर होता है तो कंपनी को लाभ प्राप्त होता है, सही बात है। अगर किसी भी देश में अगर वहां का समाज डेवलप है तो कॉर्पोरेट्स वहां के अधिक डेवलप होंगे, क्योंकि समाज ही अंततः उस कॉर्पोरेट्स के उत्पादों को खरीदती है। नेक्स्ट, अच्छा पर्यावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट्स की होती है, क्योंकि जो कंपनी होती है वह प्रकृति की संपदा का दोहन करती है और पर्यावरण को दूषित करती है। आप देखते हैं कोई कंपनी या कॉर्पोरेट्स
ठीक है, जहां पर स्थापित होता है, स्टेब्लिश होता है, वहां के पहले तो प्रकृति का दोहन करती है, वहां के नदियों से पानी लेना, ठीक है, वहां की मिट्टी का उपयोग, वहां की धरती का उपयोग करती है, तो एक प्रकार से प्रकृति का दोहन करती है और दूसरा पर्यावरण को दूषित भी करती है। अब किसी कंपनी से जो उत्पाद बनता है, वहां से जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं तो वो नदियों और मिट्टी में मिलते हैं, तो वहां का पर्यावरण भी दूषित होता है, जिससे क्या होता है, वहां के जो लोग होते हैं उनको असुविधा होती है। इसलिए कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी है कि इनकी मदद करे, अनिवार्य रूप से इनकी मदद करे, जो स्वास्थ्य संबंधी, जो आर्थिक, जो संबंधी दिक्कतें होती है यहाँ के लोगों को, उन कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी है कि इनकी वह मदद करें। नेक्स्ट कहा कि कंपनी के प्रति लोगों में सद्भावना बढ़ती है, अर्थात अगर कोई कॉर्पोरेट्स इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है तो कंपनी के प्रति लोगों में सद्भावना बढ़ती है, कर्मचारियों में विश्वास बढ़ता है, जिससे क्या होता है, कंपनी की उत्पादकता और उत्पादों का सकारात्मक प्रचार प्रसार होता है और अंततः कंपनी को ही लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वह बढ़ेगी, अर्थात कंपनी की छवि अच्छी होगी और कंपनी में लोग निवेश करना पसंद करेंगे, अर्थात जब कंपनी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगी तो उसकी जो छवि होगी वह किसी देश व समाज में अच्छी होगी, जब छवि उसकी अच्छी होगी तो अन्य लोग भी उस कंपनी में निवेश करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, नीति निर्माताओं अर्थात जो सरकार होती है उनमें और निवेशकों का सहयोग प्राप्त होगा, अर्थात इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने पर जो वहां की सरकार होगी उनके बीच में और जो निवेशक उस कंपनी में निवेश करेंगे उनके बीच में सहयोग होगा, जिससे क्या होगा, कंपनी अपेक्षाकृत अधिक लाभ और स्थायित्व की स्थिति में आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो CSR जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह कंपनी को अधिक स्थायित्व और लाभदायक बनाती है, तो उसके विश्लेषण कीजिए। तो आप इसके विपक्ष में आर्गूमेंट देंगे पहले लगभग 20-30%, उसके बाद आप 70% उसके पक्ष में आर्गुमेंट देंगे और एक कंक्लूजन दे देंगे कि जो CSR है कंपनियों को अधिक लाभदायक और चिरस्थायी बनाता है। अब हम इम्प्लॉयज के स्तर पर देखेंगे क्या एथिकल एस्पेक्ट होते हैं, होने चाहिए कॉर्पोरेट्स के, तो कर्मचारियों और जो कॉर्पोरेट्स कंपनी है उनके बीच में सकारात्मक संबंध हो। सकारात्मक संबंधों में जो कर्मचारी हैं वो खर्च या बोझ नहीं मानना चाहिए, अर्थात जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको अपने कर्मचारियों को खर्च या बोझ नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें एसेट्स या संपत्ति के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ही अंततः कार्य करते हैं और वही लाभप्रद होते हैं किसी कंपनी को। अगर कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे लाभ कमाएगी, तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो कर्मचारी को बोझ हुआ खर्च न माने, बल्कि उनको एसेट या संपत्ति के रूप में उन्हें मानना चाहिए। जो कंपनी के रूल और रेगुलेशन होने चाहिए पूर्णतः पारदर्शी हो, जिससे जो कर्मचारी होते हैं उनके छुट्टी, वेतन, सुरक्षा आदि में पारदर्शिता हो, वो सारे नियम और रेगुलेशन को जाने और अपने अधिकारों के बारे में जाने, जिससे अगर वो छुट्टी, वेतन, भत्ते उनको नियमित रूप से प्राप्त हो, उनमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी उनको न मिले। संकट में मदद करना, संकट में मदद करने का मतलब कोई कर्मचारी अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है या फिर और कोई भी समस्या है तो कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि उन कर्मचारियों की संकट में मदद करें। जैसे मान लीजिए पैंडेमिक आ गया तो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट्स बंद हो जाएंगे और कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे, तो अब कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि वो जो लोग कर्मचारी हैं उनको रेगुलर रूप से कम उतना वेतन दें ताकि वो अपना जीवन निर्वाहन कर सके और जब पैंडेमिक खत्म हो वो फिर से उस कंपनी में कार्य कर सके। अब हम देखेंगे भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि कुछ समितियां गठित की गई थी और उन समितियों ने क्या सुझाव दिए थे, तो उसमें पहली समिति थी KM बिड़ला समिति, 2000 में इसका गठन हुआ था, नारायण मूर्ति समिति 2003 और उदय कोटक समिति 2017 में इसका गठन हुआ था। इन समितियों की सिफारिश पर ही कंपनी एक्ट में संशोधन हुए थे। कंपनी एक्ट अधिनियम जो 1956 में आया था उसमें 2013 में पहले तो संशोधन हुआ और 2013 में संशोधन हुआ जिसने CSR का प्रावधान लाया और CSR को लीगल रूप से अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद में 2017 और 2019 में भी संशोधन हुए और ये संशोधन इन समितियों के जो सुझाव थे उनके आधार पर किए गए थे। इंपॉर्टेंट उदय कोटक समिति हो जाती है, 2017 में इन्होंने जो सुझाव दिए थे, अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके सुझाव को अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। उदय कोटक समिति की जो पहली सिफारिश थी वह यह थी कि कंपनी के जो चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक होते हैं उनके पद का पृथक्करण होना चाहिए। जो हमने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था कि मालिक और प्रबंधन के बीच में अंतराल होना चाहिए, वही बात उदय कोटक समिति ने की थी कि जो कंपनी के जो चेयरमैन होते हैं और जो प्रबंधक निदेशक होते हैं उनके पदों का पृथक्करण होना चाहिए, अर्थात उनकी जो शक्तियां हैं उनके बीच में संतुलन होना चाहिए। जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं शक्तियों का पृथक्करण, अर्थात जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है उनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण होता है, उसी प्रकार से जो चेयरमैन होते हैं और मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है उनके बीच में भी पृथक्करण होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी को मिलने वाली जो क्रेडिट रेटिंग है वह पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, अर्थात जो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलती है उसको पब्लिक में डोमेन करो ताकि पब्लिक के बीच में उस कॉर्पोरेट्स के लिए विश्वास पैदा हो। अगला, निदेशक मंडल में कम से कम 6 सदस्य होने चाहिए और इन 6 सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य हो, जिसे जो जेंडर गैप है उसको हम कम कर सके। नेक्स्ट, एक वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल की न्यूनतम 5 बैठक होनी चाहिए। अगला,
साइबर खतरे और अन्य खतरों के लिए कंपनी में एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए। तो ये उदय कोटक की सिफारिश हो गई किसी कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। अब हम देखेंगे सीएसआर की चुनौती, अर्थात जो हमने पीछे पढ़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके आर्गुमेंट देखे थे पक्ष विपक्ष में। अब हम देखेंगे इसकी क्या चुनौतियां और क्या आलोचना की जाती है। यह जो है यह जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 4 के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसकी चुनौतियों में सबसे पहले सीएसआर का विषम प्रतिरूप, अर्थात जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका विषम प्रतिरूप। हम देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर 65%, जबकि भुखमरी और ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण पर कम खर्च होता है। नेक्स्ट क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का मतलब जो कंपनी होती है वह सामान्यतः सीएसआर गतिविधियों का संचालन कम कठिनाई वाले क्षेत्रों में करती है। संभवतः यही कारण है कि जो आकांक्षी जिले हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ध्यान नहीं देती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिला पर्यावरण, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य में अधिक छूटे हुए हैं, अधिक पिछड़े हैं। इसलिए कॉर्पोरेट को चाहिए कि यहां पर वो अपना 2% इन्वेस्ट करे। लेकिन कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, जो कम कठिनाई वाले क्षेत्र होते हैं अर्थात अपनी सुविधा के लिए उन क्षेत्रों में ही सीएसआर गतिविधियों का संचालन करते हैं। नेक्स्ट करारोपण के लिए आधार, यह आलोचना है क्योंकि कंपनी में पहले से ही उच्च कराधान व्यय करती है और अधिक कर लगाने के उपकरण में सीएसआर की आलोचना होती है। अर्थात जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो पहले ही अधिक कर चुकाते हैं, तो आलोचना होती है कि ये जो 2% है वह और अधिक कर के रूप में इसको व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट नियमित समीक्षा का अभाव या फिर अपारदर्शिता के रूप में इसको देख सकते हैं। जो सीएसआर गतिविधियां होती हैं उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है इसकी जांच के लिए कोई भी शासकीय निकाय नहीं है। गैर अनुपालन, इस एक्ट के लागू होने के बाद में विगत 5 वर्षों में 70% कंपनियों ने सीएसआर गतिविधियों को लागू करने की कोई रणनीति नहीं बनाई है। यह एक बड़ी चुनौती है कि 5 वर्षों में 70% कंपनियों ने सीएसआर गतिविधियों को लागू करने की कोई रणनीति नहीं बनाई है। तो अब इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो सेकेंड एआरसी के सुझावों को हम देखेंगे इसके संबंध में। और सेकेंड एआरसी के सुझाव वैसे भी एग्जाम के पॉइंट से काफी अथेंटिक हो जाते हैं। तो सेकेंड एआरसी सुझाव देती है कि धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सीएसआर गतिविधियों की आवधिक रूप से निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए। सीएसआर के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, अर्थात समाज में इसकी जागरूकता हो ताकि लोग खुद अपने सीएसआर संबंधी जो उनके अधिकार हैं उनको मांगे, जिससे उन कंपनियों पर दबाव बने। जो कॉर्पोरेट 70% हमने पीछे देखा कि 70% ऐसे कॉर्पोरेट हों जो सीएसआर गतिविधियों को लागू करने के लिए किसी प्रकार की रणनीति नहीं बनाई, तो अगर लोगों में जागरूकता होगा तो कंपनी पर अवश्य रूप से दबाव पड़ेगा और वो कॉर्पोरेट गतिविधियों के संचालन के लिए रणनीति बनाएंगे और अपने उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर सकेंगी। नेक्स्ट उचित संतुलित व्यय होना चाहिए। हमने पीछे देखा था कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है या फिर जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर जो सीएसआर गतिविधियां हैं वो ना के बराबर हैं। कम कठिन वाले क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियां संचालित करते हैं या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में 65% और भुखमरी, कुपोषण, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ना के बराबर पैसा खर्च होता है। तो इस प्रकार का जो है वह उसमें उचित संतुलन होना चाहिए, जिससे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण विकास भी समुचित रूप से उसका विकास हो, सतत विकास हो। नेक्स्ट छूट व प्रोत्साहन। सरकार को सीएसआर गतिविधियों का पालन करने वाले कॉर्पोरेट्स को निगम कर में और छूट और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। जो हमने उनकी आलोचना देखी थी पीछे की सीएसआर कॉर्पोरेट्स पर वैसे ही काफी निगम कर या टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, 2% जो यह है वह और अधिक उन पर व्यय बढ़ा देता है। तो इसके लिए सुझाव देती है कि जो सरकार को सीएसआर गतिविधियों का पालन करने वाले जो कॉर्पोरेट्स हैं अर्थात जो नियमित रूप से सीएसआर का पालन करते हैं, सीएसआर गतिविधियों का संचालन करते हैं, तो सरकार उन कॉर्पोरेट्स को निगम कर में छूट दे और अन्य प्रोत्साहन इनको प्रदान करने चाहिए। तो इस तरीके से हमने कॉर्पोरेट्स गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया है और आशा करता हूं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप यूपीएससी में आए कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली डील कर सकते हैं। यह टॉपिक जो है थ्योरेटिकल पार्ट से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, मगर यह केस स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस 3 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको पढ़ें और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में अपने हिसाब से इसी प्रकार से नोट्स रेडी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि इस सीरीज के आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।